स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज का जो ब्लॉग है वो है तीज ब्लॉग, और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूजा की। पहले मंडप सजाया जाता है हमारे यहाँ शंकर पार्वती जी का। मतलब सबके घर के अलग अलग प्रथा है, ऐसा नहीं है कि यही होता है, सबके घर में अलग अलग नियम कानून है, तो उसी कानून से हम लोग ये सब ब्लॉग पूजा करते हैं। इसी से ले लो, ले लो बेटा। इस ब्लॉग में आपको सारी तीज की तैयारी, तीज ब्लॉग, तीज का पूजा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लगभग 3, 3:30, 4 बजे हैं अभी। तैयारी होने के बाद ही हम लोग नहाने वगैरह गए, और तैयार होने का मैंने यहाँ पे बस शॉर्ट वीडियो डाला है, एकदम फास्ट फॉरवर्ड, कुछ डिटेल नहीं दिया है यहाँ पर मैंने। बस मैं ऐसे ही बैठी थी तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं स्टे कुकी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो बहुत ही बढ़िया है। कुछ भी फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाने से पहले प्राइमर ज़रूर यूज कीजिएगा। इससे पहले मैंने अपना स्किन केयर कंप्लीट कर लिया है, मतलब टोनर वगैरह, डेली क्रीम, मॉइस्चराइज़र, ये सब कर लिया है। मेरा यहाँ पे वो व्यू नहीं था कि आपको मेकअप दिखाना है, बस मैं तैयार हो रही थी वो दिखाना है। तो यहाँ मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट का फाउंडेशन कम बीबी क्रीम लगाया है, जो कि काफ़ी स्मूथ रिज़ल्ट देती है आपके स्किन पे। कभी ट्राई कीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी नीचे। तो यहाँ मैं फटाफट तैयार हो रही थी क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था। इस बार पूजा के टाइमिंग को लेकर बहुत लोचा था भाई, कि 6 बजे करना है, 7 बजे करना है, टाइमिंग की बहुत ज़्यादा मारामारी थी। तो मैंने पूजा करने के लिए ज़्यादा कुछ हाई फाई तैयार नहीं हुई थी, बस इसी तरीके से क्रीम वगैरह लगा के, पाउडर लगा के तैयार हो गई थी। कुछ ज़्यादा उसमें वो तामझाम नहीं किया था मैंने। तो यहाँ मैंने पेंसिल का आईब्रो यूज़ किया है। ऐसे मेरे पास पाउडर वाला भी आईब्रो है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं था, वो कोलकाता में था, और अभी मैं रांची में हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ इससे, क्योंकि इसकी आदत छूट गई है मुझे, मैं पाउडर वाले से यूज़ करती हूँ। और ये मैंने पैलेट यूज़ किया है, जो कि मैंने अमेजोन से लिया था आई पैलेट, काफ़ी बढ़िया वाला है, मैं आपको बता दूँगी। द जंपंग हिल पैलेट नाम है इसका, आई थिंक मैं गलत बोल रही हूँ या सही, क्योंकि इसमें कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है, पता नहीं चल रहा है। काफ़ी अच्छा पैलेट है, रंग बिरंगे कलर्स हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट तैयार हो रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने, बस यहाँ पे आई शेडो लगाऊँगी मैं, लिपस्टिक लगाऊँगी, और फाइनली आपको पूजा के टाइम ही दिखूँगी कि कैसा क्या आया है लुक। वो आपको आगे फ़ोटो में भी दिख ही गया होगा, लाइट का थोड़ा बहुत आना जाना लगा हुआ था, और आज तो गजब की गर्मी थी। ऐसे तो हर दिन रांची में बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश हो रही थी, लेकिन आज लगता है फास्टिंग का टेस्ट ले रहे थे भगवान की। आज धूप भी थी, गर्मी भी थी, मतलब मिसलेनियस मौसम था, ऐसा कि प्यास भी लग रहा था। लेकिन वो होता है ना, पूजा के धुन में आपको फिर याद नहीं रहता कि भूख प्यास है। तो ऊपर जो सजाने वजाने चली गई, तो वो टाइम निकल गया उसमें सजाने वजाने में, तो पता नहीं चला प्यास व्यास का। Bye.
Thank you.
परिश्रम करने का फल न करना पड़े, जिससे फल अधिक मिलेगा ना। अब यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, इस तप व्रत और दान आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमें उनको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य